मित्र शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेष राशि अगस्त 2023 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपकी राशि मेष है तो अगस्त आपके लिए खास है, महत्वपूर्ण है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो ग्रहों के गोचर के अनुसार यहाँ आपको बताया जाएगा और जो उपाय होगा उसकी उपाय भी आपको बताई जाएगी जिससे कि परेशानियाँ कम हो सके। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जुलाई अगस्त के महीने में कैसे रहेगी। राहु और गुरु आपके लग्न में हैं, प्रथम भाव में हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में है। केतु आपके सप्तम भाव में है और शनि आपके एकादश भाव में। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य आपका लगन प्रथम भाव से देखा जाता है। यह आपका शरीर है, आपका विचार है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, तो इसके मालिक है आपके मंगल। और मंगल अपने त्रिकोण राशि में, त्रिकोण में अपने बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं और 19 अगस्त तक, तो 19 अगस्त तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद वो षष्ठम भाव में आ जाएंगे और षष्ठम भाव अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये त्रिक भाव है और 19 अगस्त के बाद आपको थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती है। वायरल फीवर हो सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है और थोड़ी सी आपको रक्त संबंधित परेशानियां हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। लास्ट में इसका उपाय आपको बताया जाएगा। और संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के मालिक सूर्य आपके चतुर्थ भाव केंद्र से गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को वो पंचम भाव से गोचर करेंगे तो आपका संतान से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा 17 अगस्त के बाद से ज़्यादा। 17 अगस्त के बाद आपकी संतान स्वस्थ रहेगी। अगर उनके उनके प्रति आप कोई सी चीज़ के लेकर चिंतित हैं वो चिंता दूर होगी, उनके करियर को लेकर, उनकी स्वास्थ्य को लेकर, उनके बेटरमेंट को लेकर, और आप उस 17 अगस्त के बाद अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के पहले देखा जाए तो पंचम भाव से चतुर्थ भाव ये 12वां भाव पड़ता है तो थोड़ी खर्च की समस्या आ सकती है। खर्च थोड़ा आपके बच्चों पर पड़ सकती है। अब खर्च उनके करियर को लेकर भी हो सकता है, थोड़ी उनकी तबीयत को लेकर भी हो सकती है और इस तरह से कुछ बातें हो सकती हैं। अगर विद्यार्थी वर्ग हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव ही देखा जाता है जिसके स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 17 अगस्त के बाद उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलने का पूरा चांस है। और 17 अगस्त के बाद जो भी आप बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं, कहीं एडमिशन कराना या कहीं उस शिक्षा प्राप्त करना या जो भी है, आप उसको कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त से लगभग 17 सितंबर तक। अगर प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है और फिर वो सूर्य आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो प्रेम प्यार अच्छा रहेगा क्योंकि लगन के मालिक पंचम भाव में भी हैं, तो प्रेम प्यार के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, कुछ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वैचारिक थोड़ी मतभेद हो सकती है, तू मैं थोड़ी हो सकती है, क्रोध आ सकता है, थोड़ी सी हल्की मैंने तू मैं की स्थिति हो सकती है, लेकिन प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र
आपके पूरे महीने पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन तो बहुत ही अच्छा है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत शानदार है, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा रहेगी, बहुत मधुर रहेंगे। अगर आपका लाइफ पार्टनर कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी और डेली वेजेस के इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर भाग्य की बात करें तो वो नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी गुरु आपके लगन में प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी नौवीं दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है। और अगस्त के महीने में राहु और ही बलहीन हो जाएंगे और गुरु और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा। अगस्त के महीने में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता से मधुर संबंध बनेंगे, पिता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, पिता की बात मानेंगे तो आपकी और उन्नति होगी। अगर कर्म और कैरियर की बात करें तो वो दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शनिदेव अपने प्रिय राशि कुंभ राशि आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। और चूंकि शनिदेव अभी वक्री हैं तो वो ये घर पीछे आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, तो कैरियर में के लिए तो बहुत सोने पर सुहागा। अगर जो नौकरी खोज रहे हैं उनको नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है, कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उनके बहुत सुकून मिलेगी, उनके अपने बॉस से अच्छी तालमेल बनेगी, अगर कोई इंक्रीमेंट है, कोई प्रमोशन ड्यू है तो उसके भी होने की पूर्ण संभावना। अगर लाभ डिजायर और बड़े भाई बहनों की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है और एकादश भाव के स्वामी शनि देव आपके एकादश भाव से ही गोचर कर रहे हैं और शनि देव जहां बैठते हैं वहां फल की वृद्धि करते हैं। तो शनि देव आपको लाभ देंगे क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है और कैरियर में अच्छी बढ़ोतरी मिल रही है, तो लाभ तो होना ही होना है। क्योंकि धन के धन द्वितीय भाव से देखा जाता है, उसके स्वामी शुक्र भी त्रिकोण राशि में आप बैठे हुए हैं पूरे महीने, तो और उनकी सातवीं दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ तो होगा, अच्छा लाभ होगा। और कोई इच्छा है बहुत दिनों से तो उसकी भी प्राप्ति आपको होगी, शनि देव आपको देंगे और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग काफी मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अगर माता की बात करें तो माता चतुर्थ भाव से देखा जाता है और चतुर्थ भाव का स्वामी आपके हर सवा दो दिन पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो माता का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दे, कभी ठीक रहेगा कभी थोड़े भी ठीक हो जाएंगे। मन उनका व्याकुल रहेगा, मन चिंतित रहेगा, उदास रहेंगे, कभी खुशी रहेगा कभी उदास रहेंगे। भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका चतुर्थ भाव ही देखा जाता है। तो भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करेंगे और ना तो जल्दीबाजी करेंगे और ना बिना सोचे समझे करेंगे, सोच विचार कर अच्छी तरह समझ कर तब ही इन्वेस्ट करेंगे। और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपनी कुंडली का विवेचन किसी अच्छे ज्योतिष से करा कर ही करेंगे, ताकि आपकी कुंडली क्या कहती है इस पर भी निर्भर करता है। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं उससे निजात पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि गुरुदेव आपके लगन में बैठे हुए हैं, बहुत शुभ स्थान पर हैं और उगते हुए सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि आपके करियर भाव पर भी पड़ रही है।
तो सूर्य उगते हुए सूर्य को आप जल दें, उसमें रोड़ी फूल अक्षत डालकर जल दें, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके जो दुख है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इस तरह से जुलाई अगस्त 2023 मेष राशि वालों के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूँ। आप लोगों से कृपया अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आगे वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।